नमस्कार। होली के बाद मिलेंगे आपको चार दिन करने के लिए कोई भी शुभ काम। चार दिन तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे और चार दिन बाद 14 तारीख से कहाँ चले जाएंगे, 14-15 के बीच में वो चले जाएंगे मीन राशि में, खर मास शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के होली खत्म होने के खर मास के शुरुआत तक 14-15 तक के बीच में आप कौन कौन से शुभ काम कर सकते हैं ये नोट कर लीजिए। शुभ काम के लिए मिले हैं आपको चार दिन, वो कौन से हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर आपको दुकान में कोई पूजा पाठ करानी है, आपको घर में कोई पूजा पाठ करानी है, वास्तु पूजा कराना है घर या दुकान पे, गणेश लक्ष्मी की स्थापना करनी है, बहुत ही शुभ होगा क्योंकि गणेश चतुर्थी भी आ रही है उसी बीच में। और अगर आपको शादी ब्याह की बातचीत करनी है कहीं, अगर आपको कोई नया घर बनाने के लिए प्रवेश करना है, गृह प्रवेश करना है, घर में हवन कराना है, या आपको शादी ब्याह की बातचीत करने कहीं जाना है, आपको विदेश यात्रा के लिए प्रयास करना है, आपको बच्चे का जनेऊ करवाना है, तो ये जो महीना है चैत का, बहुत ही सूर्य का महीना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा माना जाता है। ये चार दिन आपको मिले हैं, कर डालिए। शुभ काम के लिए चार दिन का मौका आपके पास है। अगर ये चार दिन में कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे आपको। रोज चार दिन में जो दिन भी करना चाहें, क्या आपको शहद एक बूंद डाल के स्नान करना और शहद का तिलक लगाते रहना है। और जो मौसमी फल है उसका दान करना है आपको। केला हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, खट्टा नहीं होना चाहिए संतरा, खट्टे फल ना करे तो अच्छा है, चीकू हो गया, ये सब का दान करके उसके बाद किसी भी शुभ काम को करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात जरूर है, घर में एक पानी वाला जटा वाला नारियल ला के जरूर रखें पूजा स्थान पे, इससे इस चार दिन में जो भी शुभ काम करेंगे आपके उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो चार दिन का लाभ उठाइए, शुभ काम करिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, राम राम।